नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज का मुद्दा 12 करोड़ क्रेडिट एक्सटेंशन का घोटाला, उसको लेकर के सियासत लगातार गर्माती जा रही है। ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 12 करोड़ की एवज में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की संपत्ति को जब्त कर लिया है, लेकिन सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दलों का कहना है कि ये द्वेष की भावना से, यानी बदला लेने की भावना से ये सब कुछ किया जा रहा है, चाहे वो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, सबके सब मिल चुके हैं, क्योंकि गुपकार अलायंस के बाद ये सब एकजुट हो चुके हैं और जो भी फैसला केंद्र सरकार लेती है उसके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन बड़ा फैसला है, लंबे समय से ये डिमांड चल रही थी, लंबे समय से कोर्ट में ये मामला चल रहा था, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अब अपना कदम आगे बढ़ा दिया है और बठिंडी समेत बाकी जगहों पर जहां जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की प्रॉपर्टी थी उनको अपने कब्जे में ले लिया है, जब्त कर लिया है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है, शमीमा फिरदौस नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, उनका कहना है कि यह द्वेष की भावना से किया हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है, अफसोसनाक। मुझे लगता है कि अफसोसनाक उस वक्त सब लोगों के लिए वो लम्हे फिक्र है कि इतने बड़े लीडर जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, नेशनल लेवल के हैं, इतने बहुत बड़े लीडर रहे, कब से उसके जो वालिद साहब थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर थे, इसकी जो वालदा मोहतरमा थी वो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की जो बेटी थी, उसका सारा कुछ जो वहाँ से गुलमर्ग से था, टंगमर्ग से था, वो बहुत बड़ी लैंडलॉर्ड की बेटी थी। इसके जो वालिद साहब थे वो भी प्राइम मिनिस्टर थे, ये खुद चीफ मिनिस्टर रहे हैं कई बार, यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, इसके फर्जंद हैं उमर अब्दुल्ला साहब, वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं। अब तो ये शर्मनाक बात है कि तीन जगह इसकी जगह है, वो तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है 12 करोड़ के लिए। आप मुझे देखिए, ये तो मुझे लगता है बहुत ही शर्मनाक बात है। आप किसी भी लेमन के पास जाए, किसी भी यहाँ पर शहर श्रीनगर नहीं, गाँव में जाइए, कश्मीर में जाइए, जम्मू में जाइए, जो यहाँ के जो मिनिस्टर में रहे हैं या जो मिनिस्टर से बाहर रहे हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो बहुत ही जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, उनके पास 12 करोड़ से ज़्यादा होता है, 13 करोड़, 17 करोड़। आप देखिए यहाँ के मकानात कैसे बड़े बड़े हैं, तो उसका आप देख लीजिए। तो ये तो अफसोस की बात है कि किस बात के लिए, यह तो मुझे लगता है ये किसी ज़ाती मुफाद के लिए जो बीजेपी है वो ये सब कुछ कर रही है। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हम कोर्ट का दरवाज़ा, डेफिनेटली उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कहा है हम उसको वेलकम कर रहे हैं और जाना चाहिए, अपने हक के लिए जो हमारे हकूक है उसके लिए हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ही अब एक चीज़ ऐसी बची है जिसे उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती है। मैम, कभी NIA कभी ED ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है क्योंकि बीजेपी सरकार जो बाहर है वो नहीं चाहते हैं यहाँ पर डॉक्टर फारूक या नेशनल कॉन्फ्रेंस का बोलबाला रहे, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर फारूक साहब की सरपरस्ती में कितनी सारी जमातें हैं जो कि अपोजिशन का रोल करती थी यहाँ पर, या जो कि उनके साथ किसी जमात के या किसी एक जमात के दूसरे जमात के उनके साथ अलायंस भी थे। लेकिन जब उन्होंने समझा कि हिंदुस्तान जो हमारे कश्मीरियों के साथ सौतेली माँ का सलूक कर रहा है, तो डॉक्टर फारूक साहब ने इनको एक ही झंडे तले ये जमा किया है, तो उनको वो पसंद नहीं है, इसलिए वो सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए ताकि डॉक्टर फारूक साहब को वो जेर करें और उनको दबाव में डालें और उनको दबाव में रखें, ताकि वो शायद मत वो अपना जो उन्होंने डिसीजन लिया है कश्मीरियों के बचाव के लिए, जो जम्मू कश्मीर इस रियासत के लोग हैं जो इस वक्त एक बर्बादी के दहाने पर पहुँच गए हैं, तो उनको बचाए। दर्शकों, बात है मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर मिल चुका है। जितनी भी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने आपस में सुर मिला लिया है, और शायद यही कारण है कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुजफ्फर शाह जो उपा अध्यक्ष है यानी वाइस प्रेसिडेंट है, उनका भी कहना है कि संघ के एजेंडे पे सब कुछ किया जा रहा है, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और केंद्र सरकार मिलकर के अपने बदले की भावना को सामने रखते हुए वो इस तरह के कदम उठा रही है। हालांकि बहुत बड़ा घोटाला है क्रिकेट एसोसिएशन का, और इस एसोसिएशन के पैसे को खुर्द फुर्द नहीं होने दिया जाएगा, ये सरकार का कहना है, और ऐसा ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी कर रही है। 12 करोड़, अरे यार, ईडी वालों, तुम लोगों का क्या हो गया है भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कश्मीर से,
इतनी फ्रस्ट्रेशन कि आप एक प्रॉपर्टीज को अटैच करा रहे हो, उसमें आपने 6 प्रॉपर्टीज के नाम दिए हैं, वो सिर्फ फारूक अब्दुल्ला साहब की नहीं, वो पूरी फैमिली की हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ हैं, मोस्टली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 60 साल 70 साल 80 साल पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारे पुरखों ने अपने बच्चों को दी है और उनके बच्चों ने अपने बच्चों को दी है। क्या बात कर रहे हैं आप सर, आपके केस में कोई वजन ही नहीं, कोई दम ही नहीं है। और ये जो आप, ये जो मामला है क्रिकेट बोर्ड का, भाई ये पीछे 10 साल का मामला है, ये प्रॉपर्टीज़ पीछे 60 70 80 साल की प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या बात कर रहे हैं आप लोग, इतने आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग कि वो ईडी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं इन चीज़ों को। और मैं एक बात बता दूं आपको, ये सिर्फ एक फारूक अब्दुल्ला पे हमला नहीं है, ये हर किसी कश्मीर के एक नागरिक पे हमला है। वो इस तरह कर सकते हैं, इस हद तक जा सकते हैं, जब उनको पता है कि इसमें से कुछ निकलेगा भी नहीं। क्यों दर्शकों, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, हाँ 36 का आंकड़ा था इनका, लेकिन जैसे ही 5 अगस्त 2019 को 370 में संशोधन होता है, 35 अपील की जाता है, उसके बाद इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि जैसे टूथ और नेल, या ये यूं कहिए नेल और स्किन, जैसे नाखून और स्किन का रिश्ता, ऐसा इनका रिश्ता बनता जा रहा है। और यही कारण है कि आज सामने आके खड़ी हो गई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और उन्होंने केंद्र सरकार की इस हरकत को लताड़ा है। ये लॉलेस स्टेट है, यहाँ कब इंसान नेशनलिस्ट होता है, कब एंटी नेशनल बनता है, ये इंसान को पता ही नहीं है। ये पॉलिटिकल वेंडा है और कुछ नहीं है। ये ज़ोर ज़बरदस्ती यहाँ कश्मीरियों को दबाना चाहते हैं। यहाँ आपने देखा होगा पिछले 5 अगस्त से जो हाल यहाँ सियासत का है, यहाँ कहीं भी आप देख रहे हैं जो भी कोई बात करता है, चाहे वो यहाँ का जर्नलिस्ट हो, यहाँ का सिविल सोसाइटी का कोई बंदा हो, या कोई पॉलिटिकल लीडर हो, दूसरे दिन उसको या तो NIA बुलाती है या तो उसे किसी केस में फंसाया जाता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल वेंडा है। ये BJP और RSS का जो एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट कराने की ये कोशिश कर रहे हैं, इसमें ये नाकाम हो गए हैं। आपने देखा होगा कि लोग कैसे जोक दर जोक निकले, इसके बावजूद कि हमारे कैंडिडेट्स को बाहर नहीं निकलने दिया गया, उन्होंने जो है आपने देखा कैंपेन नहीं की, उसके बावजूद भी इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ी कामयाबी हमारी होगी। तो ये चीज़ें जो है चलने वाली नहीं है, ये ज़ोर ज़बरदस्ती हमारे लीडरशिप को जो है दबाना चाहते हैं, बाय फोर्स ये सारा कुछ हो रहा है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का कहना है कि जैसी करनी वैसी भरनी। आइए देखते हैं किस स्टाइल में उन्होंने कहा। डायरेक्टोरेट ने जम्मू कश्मीर, जो क्रिकेट संघ, जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में घोटाला हुआ था और जिसकी जांच जम्मू कश्मीर के माननीय उच्च न्यायालय ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर की निगरानी में जो जांच चल रही है वो नेचुरल प्रक्रिया का हिस्सा है और उसमें जो भी दोषी पाया गया है उसके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने कार्रवाई की है। जैसी करनी वैसी भरनी, अगर आप गलत काम करोगे तो उसके नतीजे आपको भुगतने पड़ेंगे। और पूरी पारदर्शिता के साथ काम होने चाहिए। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार का मिशन है ईमानदारी के साथ काम करना, इसलिए जो जो लोग भ्रष्टाचार करेंगे, जो लोग गद्दारी करेंगे, जो लोग गरीबों का खून चूसने की कोशिश करेंगे, कानून अपना काम करेगा। ये कानूनी प्रक्रिया से ये निर्णय लिए गए हैं, इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप, कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कानूनी प्रक्रियाएं हैं जो ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर, उसकी निगरानी में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर जो घोटाला हुआ है उसकी जांच चल रही है और उसका एक बड़ी कार्रवाई ईडी ने ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन पर की है। पहली बार जिला परिषद के चुनाव बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देता हूं, जो जम्मू कश्मीर की जनता ने आतंकवादियों, अलगाववादियों की धमकियों को दरकिनार करते हुए जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए जिला परिषद के चुनावों में बंपर वोटिंग की है।
पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये एक इतिहास बना है कि पहली बार जिला परिषद के चुनावों में जम्मू कश्मीर की जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। जम्मू कश्मीर के अंदर जिन दिनों जिला परिषद के चुनावों की घोषणा हुई, उस वक्त पाकिस्तान के शरारती तत्व जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने आतंकवादियों ने अलगाववादियों ने धमकियां देना शुरू की, लेकिन जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता ने एक बार फिर लोकतंत्र में विश्वास रखा और बढ़ चढ़कर इस जिला परिषद के चुनावों में भाग लिया। अब हम बात करेंगे उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा की। आज उन्होंने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बनती भी थी। उसकी वजह यह है कि 8 चरण के मतदान में किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई और आतंकवादी भी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं था 370 में संशोधन होगा, 35 से हटेगा, उसके बाद 1.5 साल बाद इलेक्शन होंगे, पहली मरतबा DDC के इलेक्शन होंगे, COVID-19 के बीच इलेक्शन होंगे, तो इतनी पार्टिसिपेशन होगी। लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व पर अपनी आहुति चढ़ाई है, यानी हर एक व्यक्ति का ये रोल रहा है, हर एक व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी की निर्वाह किया, चाहे वो उम्मीदवार हो, इलेक्शन लड़ी, धमकियों के बावजूद इलेक्शन लड़ी, फिर दूसरा वोटर SOP को फॉलो करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए बाहर निकले, बाहर निकल करके उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। वोट इसलिए कास्ट किया कि वो जो डिसीजन मेकिंग है उसमें अपनी पार्टिसिपेशन चाहते हैं। 3 टायर सिक्योरिटी है और 3 टायर पंचायती राज है, इस पंचायती राज को और मजबूत करने के लिए DDC के इलेक्शन ज़रूरी थे। पहले पंचायत के इलेक्शन हुए और उसके ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के हुए, अब DDC के इलेक्शन थे, लाजमी थे और ये सक्सेसफुल रहे। यही कहना था मनोज सिन्हा का, उन्होंने कहा कि मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व में शिरकत की। महापर्व इस यूनियन टेरिटरी में कल संपन्न हुआ, मुझे लगता है कि एक मील का पत्थर साबित होगा और यहाँ के विकास और नव निर्माण में कल जो चुनाव हुआ है इसका बहुत ही महत्व होगा। मतदान के जो आंकड़े अभी तक उपलब्ध हुए हैं उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि जम्मू कश्मीर का चाहे यूथ हो, चाहे बुजुर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, मध्यम वर्ग हो, प्रोफेशनल हो या व्यापारी हो, सबने बढ़ चढ़ करके ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, यहाँ की उन्नति और प्रगति को जन जन तक पहुँचाने के लिए और तरक्की को एक नई दिशा देने के लिए भारी संख्या में मतदान किया है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव से और इस चुनाव के मत प्रतिशत की तुलना करेंगे आप तो पंचायतों को और अर्बन लोकल बॉडीज को मजबूत करने के लिए जो काम किया जा सकता था वो अधिकतम काम पिछले 3-4 महीनों में हमने किया। और 3-tier सिस्टम यहाँ भी लागू हो तो DDC के चुनाव भी यहाँ करा दिए। तो मैं उन सभी राजनीतिक दलों को और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को भी जिन्होंने भारत के संविधान में आस्था व्यक्त की है उनको भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रतिकूल मौसम में जिस तरह से लंबी लंबी लाइनें महिलाओं की, बच्चियों की, नौजवानों की रही है, मुझे लगता है कि उन सबका अभिनंदन अगर न किया जाए तो शायद ये ज्यादती होगी। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और चुनाव शुरू होने के पहले मैंने एक बात कही थी कि पीसफुल, फ्री एंड फेयर, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष मतदान हो इसका इंतजाम प्रशासन करेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि छोटी मोटी एक आध घटनाओं को देख लें तो इसके अलावा सामान्य रूप से बहुत शांतिपूर्ण ढंग से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया है। दूसरे, ये त्रिस्तरीय डेमोक्रेसी जबरदस्त तरीके से जम्मू कश्मीर में काम करे इसके लिए हम सब पूरा सहयोग करेंगे। और आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का जो गठन होगा तो जिले के विकास की पूरी जिम्मेदारी चुने हुए प्रतिनिधियों को मिले और वो काम करें इसका हम सब प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।
दर्शकों, अब हम बात करेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव है, डीडीसी के चुनाव खत्म हो गए, ये इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। और इन इलेक्शंस को लेकर के जज सुरेश, रिटायर्ड जज सुरेश शर्मा ने आज मीटिंग बुलाई थी, जितने भी उम्मीदवार खड़े थे उनसे बातचीत की और उनको बताया कि SOPs क्या रहेंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहे क्या रहेगा और किस तरीके से उसको फॉलो करना है। उन्होंने बताया कि प्रचार आप कर सकते हैं लेकिन घर घर जाके प्रचार नहीं करेंगे, दुकानों पे जाकर के आप प्रचार करेंगे और प्रचार में आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि किस तरीके से आपके साथ सिर्फ एक ही व्यक्ति होना चाहिए। क्या कहना है इन सदस्यों का, आइए देखते हैं। आज यहाँ पर जो मीटिंग थी वो इसलिए यहाँ पर सभी को बुलाया गया था कि कुछ नॉर्म्स जो हैं इस इलेक्शन के उनको सेट करना था, और उसमें जो जो जज साहब ने कहा, जो जो एडमिनिस्ट्रेटर ने जो जो बातें कही, वो सभी जो यहाँ पर मेंबर्स हैं उन्होंने उस बात को एडमिट किया। इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ गाइडलाइंस जो SOPs जो इस समय कोरोना काल को लेकर उन्होंने दी हैं, और उसमें उन्होंने काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दी हैं, और उसमें जो डोर टू डोर कंपेनिंग है वो 1+1 पे उन्होंने अलाउ किया है, और उसके अलावा बड़ी पार्टीज़, कोई लंच डिनर कोई ऑर्गेनाइज करना, उन सब पे जज साहब ने बैन लगाया फिलहाल। और मोरओवर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाना या बैनर्स लगाना, उस सब को भी जज साहब ने उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। दर्शकों, ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पहले की तरह पार्टियां नहीं चलेंगी, देर रात तक शाम तक डिनर लंच नहीं होगा, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन होगी, आप सिर्फ डोर टू डोर ही कर सकते हैं, वो भी घरों में नहीं, शॉप टू शॉप कर सकते हैं, सिर्फ एक सहयोगी लेकर के। और कुछ हिदायतें उन्होंने दी हैं जो जिनका हमें पालन करना है, क्योंकि कोविड चल रहा है, तो मैं कुछ लंबा चौड़ा नहीं कहना चाहता, मगर ये आने वाली इलेक्शन चैम्बर की ये तय करेगी कि जम्मू की आवाज़ बन के कौन आता है, जो एक बहुत बड़े संकट के बीच में से गुजर रहा है। लेकिन ये तीन चीज़ों पे आधार होगी ये इलेक्शन, में सबको वाजे कर दूं कि एक तो चरित्र, क्षमता और परफॉर्मेंस। जो भी लोग पदों में रहे हैं और जो उन्होंने अपना कार्यकाल में किया है, ये किसी मेंबर से छुपा हुआ नहीं है। तो दर्शकों, उम्मीदवार ये मानते हैं कि कंपटीशन बड़ा है और इस कंपटीशन के बीच में जीतना भी ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति इलेक्शन जो लड़ता है, जीतता तो एक ही है, लेकिन प्रयास हर लोग करते हैं। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें प्रचार करना है, इस बात की जानकारी हमें मुहैया कराई गई है। इसके साथ ये है कि कोई भी ऐसा काम कैंडिडेट्स ना करें जिससे सद्भावना में फ़र्क पड़े। ये चैम्बर जो है ये व्यापारियों का है, इंडस्ट्रियलिस्ट का है, आपस में भाई बंदी के लिए ये इलेक्शन हो रहे हैं, और जो भी इलेक्शन हो, जब भी इलेक्शन हो, उनमें कोई भी आपस में बैड टेस्ट क्रिएट ना हो। प्लस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि कोई बड़ी पार्टी जो है कोई भी कैंडिडेट खुद या किसी के द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, अगर वो करेगा तो जो रिसीवर अपॉइंट किए हैं ऑनरेबल कोर्ट ने, मिस्टर सुरेश शर्मा जी, वो एक कमेटी बनाने जा रहे हैं, जो कंप्लेंट उनके पास जाएगी और वो डिसाइड करेंगे कि क्या कैंडिडेट ने कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट किया है या नहीं किया है। दर्शकों, इस बाबत हमने रिटायर्ड जज सुरेश शर्मा से बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, डीडीसी के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब सुर्खियों में जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के चुनाव है, और इन चुनावों पर निगाह इसलिए भी रहती है क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक ऐसा प्रेशर ग्रुप है जिन्होंने वक्तन वक्तन जब बड़ी एजिटेशन हुई है चैम्बर ने एक अहम रोल प्ले किया है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कोर्ट के इंटरवेंशन से यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। हालांकि हम सब चाहते हैं, लोग भी चाहते हैं कि जो टेन्योर है 2 साल के बाद चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फिर कोर्ट को इंटरवेंट करना पड़ा, लोग कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने जज सुरेश शर्मा को तैनात किया। सुरेश शर्मा की अगुवाई में इस वक्त चुनाव होंगे और वो हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जज साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू जी। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, हर एक इलेक्शन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, MCC चैम्बर के चुनावों को लेकर के क्या MCC है? इनफैक्ट आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग इसी बारह में रखी गई थी। आज सब जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनसे इस निस्बत बातचीत करके उनसे कॉन्सेंसिस जो इमर्ज हुआ और जो कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए
जो चैम्बर का कॉन्स्टिट्यूशन है और कोविड पैंडेमिक को मद्देनजर रखते हुए गाइडलाइंस जारी की गई। सबसे महत्वपूर्ण गाइडलाइन जो थी कि कोविड के समय में जो डोर टू डोर कंपेनिंग जो मेंबर्स कैंडिडेट्स करते हैं वो घरों में नहीं जाएंगे किसी के भी, वो घरों में वो प्रोहिबिटेड है एब्सोल्युटली, और दुकानों में भी जो होगा वो डोर टू डोर जो इनकी कन्वेसिंग है दैट विल बी कन्फाइंड ओनली टू कैंडिडेट और उसके साथ एक आदमी ज्यादा से ज्यादा जा सकता है जी। तो इस तो उसके बाद जो यहाँ एक नॉर्मली चलता था बड़े बड़े होर्डिंग्स पोस्टर्स वगैरह वगैरह जो कैंडिडेट्स लगवाते थे वो उस पर भी प्रोहिबिशन लगाई है, कोई भी होर्डिंग कोई भी बैनर कोई भी पोस्टर जो है वो नहीं लगाए जाएंगे, जो सोशल मीडिया है उसके जरिया जो है कन्वेसिंग की जाएगी। क्या ये जो एडवर्टीजमेंट करते थे बड़े बड़े पेपर्स में फ्रंट पेज पे बैक पेज पे कलर एडवर्टीजमेंट, क्या उस पर भी अंकुश लगाया गया? हाँ उस पर भी एक्चुअली उस पर भी अंकुश लगाया गया है कि जो एडवर्टीजमेंट है प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई भी एडवर्टीजमेंट जो है वो नहीं दी जाएगी इन कैंडिडेट्स द्वारा। सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट जो है वो जब विड्रॉल की डेट के बाद वो चैम्बर ही देगा जिसमें सब मेंबर्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके फोटोग्राफ दिए जाएंगे कि ये लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, बाकी जो होर्डिंग जो इनका जो एडवर्टीजमेंट है वो उस पर पूरा बैन लगाया गया है। उसी के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं तो उस पर भी बैन लगाया गया है, क्योंकि वो एक लेवल फील्ड क्रिएट किया जाए सब कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि कोई इन्फ्लुएंशियल कैंडिडेट है कोई जो रसूख वाला है वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, आम जो कैंडिडेट है उसके पास शायद इतने रिसोर्सेज ना हो उसके पास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए जहाँ इतने कॉन्टेक्ट ना हो, उसके लिए लेवल फील्ड क्रिएट करने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उस पर भी बैन लगाया गया है। पर यह है कि वो जो इंटरव्यूज हैं जो बाइट है वो दे सकते हैं, वो उसके लिए परमिसिबल है दोनों प्रिंट और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट अगर वायलेट होता है वो शिकायत आपके पास आएगी, आपके पास कोई टीम है? हाँ इनफैक्ट मैं वो टीम मैं बनाने जा रहा हूँ और एक दो दिन में मैं वो पूरी कमेटी जो है वो मैं अपॉइंट कर दूंगा इसके लिए। अगर कोई वायलेटर पकड़ा जाता है वाईके में उसने वायलेशन की है तो क्या उसके खिलाफ क्या एक्शन रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, जब वायलेशन रिपोर्ट होगी उसकी कम्प्लेक्सिटी नेचर देख के उसके निस्बत वो डिसाइड किया जाएगा। मैं इसी मरहला पे ये भी आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इनका है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उसमें सीधे सीधे जो एक सेक्शन 26 है उसकी क्लॉज जो कितनी 16th है उसमें सीधा सीधा लिखा है कि नो कैंडिडेट शैल होस्ट और अरेंज हिमसेल्फ और थ्रू समवन एल्स पार्टीज डिनर्स लंच एटसेट्रा फॉर हिज कन्वेसिंग। तो इसके साथ ये है कि इट इंटेल्स ये अगर कोई करता है तो उसकी कैंडिडेट डिसक्वालीफाई हो सकता है इसके लिए। तो इस पे अब वही होगा कि जब जब जो भी वायलेशन रिपोर्ट होती है उसके बारे में उसी समय डिसाइड किया जाएगा। लेकिन ये तो एक ट्रेंड रहता है, जब जब चैम्बर के इलेक्शन आते हैं तब तब पार्टियों का दौर शुरू हो जाता है जी। इस पर कैसे रोक लगा पाएंगे आप? नहीं पार्टीज का बिल्कुल मतलब सीधा सीधा बता दिया है उनको कि कोई पार्टी नहीं की जाएगी जो जिस पार्टी में कन्वेसिंग करने का वो जिसमें देखा जाएगा, तो वो बिल्कुल सीधा सीधा बैन उस पर है कोई भी पार्टी जो है इस पार्टीज लंच या जो भी कोई ऑर्गेनाइज इसके बारे में करेगा तो उसके लिए उसको पूरा पूरा उसका संज्ञान लिया जाएगा जी। व्हाट अबाउट दी SOPs ऑफ COVID-19, उसको लेकर के क्या है? जिस दिन पोलिंग होगी जिस दिन काउंटिंग होगी नहीं डिजिटल काउंटिंग, एक्चुअली मैं तो बेसिकली चाहता था कि EVM से हो,
बट बेसिकली ये जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है वो करता है सीक्रेट बैलेट्स के साथ, तो उसको मद्देनजर रखते हुए सीक्रेट बैलेट जो है, सीक्रेट बैलेट तो वही पेपर बैलेट पे ही बेस्ड है, तो इसलिए वो जो पोलिंग होगी वो होगी बैलेट पेपर की, बैलेट पेपर के साथ, तो काउंटिंग भी उसी दिन हो जाएगी, तो दैट्स अ लिमिटेशन, बट हम वो देखेंगे कि बूथ ज्यादा बनाए जाए सो दैट सोशल डिस्टेंस इज मेंटेन्ड, और उसके साथ ये है कि वो स्पेशियस अकोमोडेशन हो जहाँ पे कोई गैदरिंग का वो चांस ना हो, और इसी के साथ आज मैंने ये भी हिदायत दे दी है कि कोई भी जो वहाँ पे स्टॉल नहीं लगेंगे इलेक्शन वाले दिन, कोई भी वहाँ पे कन्वेंसिंग नहीं होगी, वहाँ पे कैंडिडेट्स जो है खुद खड़े हो सकते हैं, बट वो नहीं है कि जमघट्टा जो है वहाँ पे साफ साफ आज सब कैंडिडेट्स को बता दिया है कोई जमकट्टा वहाँ इकट्ठे नहीं होने देंगे। पोलिंग बूथ एक ही रहता था पहले, अब हाँ आप कितने बनाने जा रहे हैं? पहले एक पोलिंग बूथ एक ही रहता था चैम्बर ऑफिस में, अब आप कितने बनाने जा रहे हैं? पोलिंग बूथ कम से कम, मैं तो एक्चुअली हमारे 2209 कैंडिडेट्स मेंबर्स हैं जो एलिजिबल वोटर्स हैं बेसिकली, तो वो 2209 के हिसाब से मैं तो जो मेरी प्लानिंग है वो मैं 150 वो मेंबर्स लेके एक एक बूथ बनाने जा रहा हूँ। जी हाँ जी, तो दूसरी बात बड़ी बात ये है कि सर जी 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 आप बोल रहे थे जैसे सब कुछ। हाँ हाँ जी, वो इसीलिए कि हमारे कोई 14-15 बूथ बनेंगे उस हिसाब से, तो वो जो पोलिंग स्टेशन होगा वो उसी हिसाब से बनाए जाएंगे, सो दैट एटलीस्ट वहाँ पे कोई वो सबको एक तो सोशल डिस्टेंसिंग और नॉर्म्स मद्देनजर रखते हुए वो सारा हम प्लान कर रहे हैं। जस्ट अब सवाल ये है कि 28 को कोर्ट में सुनवाई होनी है, अगर 28 को 461 लोगों को अनुमति मिल जाती है तो फिर पोलिंग स्टेशन आपको और बनाने पड़ेंगे? बिल्कुल, उसके लिए मैं तैयार हूँ, मैंने मतलब माय कंटिजेंसी प्लान इज एट प्लेस, अगर कोर्ट को कल को कहती है जो 461 कैंडिडेट्स हैं उनके भी इलेक्शन वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो मेंबर्स हैं, तो उसके लिए हम ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल हमारा बाकी जो मेंबर्स एलिजिबल वोटर्स का वो तैयार है, वो सप्लीमेंट्री हम बनाएंगे, उसके लिए भी कंटिजेंसी प्लान इज इन प्लेस। हालांकि बिजनेस कम्युनिटी बड़ी सोबर होती है, जेंटल होती है, लेकिन फिर भी जब इलेक्शन की बात आती है तो सिक्योरिटी एक मुद्दा आ जाता है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंतजाम किए आपने? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम पूरा ध्यान रखेंगे उसका, सिक्योरिटी के बारे में मैं IG साहब से मिलने जा रहा हूँ और SSP साहब से भी इसके निस्बत मिलूंगा और पूरे अरेंजमेंट उसके लिए किए जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद साहब, धन्यवाद, थैंक यू। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।